नमस्ते दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड सो गाइस दिस इज आर कोरल रीफ्स क्लास ओके तो आज गाइस अपन जो है कोरल रीफ्स पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है गाइस मिशन आई में हम आपको जो है सारा यू नो इट वाज अ कोर्स स्टार्टेड बेसिकली टू थ्री मंथ्स को ओके सो इन विच आई प्रोमिस डू कि मैं आपको जो है पूरी फिजिकल जोग्राफी का इस पढ़ाऊंगा और मैंने आपको पढ़ाया भी बकायदा क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस हमने रेगुलरली और जियोमोफोलॉजी में आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करी और ओशनोग्राफी जो है हमारी कुछ महीनों से कुछ समय से जो है चल रही थी ओके सो कुछ दिनों से बच्चों क्लास नहीं हो पाई थी ओशनोग्राफी की एनीवेज आज जो है लास्ट क्लास है ओशनोग्राफी की इससे जो है ओशन ओशनोग्राफी भी हमारी खत्म हो गई है सो शाहीज बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के तीन पार्ट्स होते हैं तो तीनों पार्ट्स हमने जो है कवर कर लिए हैं ओके तीनों पार्ट्स हमने कवर कर लिए फिजिकल ज्योग्राफी के पहले हमने आपको ओके सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया था ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी के तीन पार्ट होते हैं क्लाइमेटोलॉजी कर दिया हमने ओके जियोमोफोलॉजी हमने कर दिया है हमने जो है आपके लिए ओशनोग्राफी भी आज जो है लास्ट क्लास है हमारी सो so, कोर रीफ से क्लास को जो है एंड करेंगे आज से इकोनॉमिक्स आई होप आप पढ़ी रहे हो मेरे साथ रेगुलरली ओके सो so, वहां पर कोई दिक्कत किसी को आ नहीं रही होगी कोई दिक्कत हो तो आप उसमें मुझे बता कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइज ओके बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सिकर प्रम से बच्चों जुड़ जाइए आप मेरे साथ अगर आप एग्जाम

ओके okay, एक समय हुआ करता था जब इतनी सीट्स होने पे बहुत यू नो यू नो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी तो अभी भी जो है आपका 20 परसेंट इंक्रीज होना सीट में मतलब 20 परसेंट आपका चांस भी इंक्रीज हो गया एग्जाम को क्लियर करने का ठीक है तो आप जो है आज लास्ट डे है आज फरवरी 19 है और आज लास्ट डे है आप जो है 20 परसेंट ऑफ ले सकते हो फ्लैट ओके okay, आपके कई सारे सब्सक्रिप्शन पे ओके okay, किसी भी डील पे आपको जो है ट्वेंटी ऑफ मिल रहा है ओके सो फ्लैश कॉम्बो ऑफर चल रहा है आज लास्ट डे गई यू कैन टेक द बेस्ट ऑफ यूज ऑफ दिस कॉम्बो एंड यू कैन यूज माई कोड इन फैक्ट यू कैन यूज माई कोड इन फैक्ट सिड यूपीएससी और आप जो है इसमें से सारा लाभ उठा सकते हो सिड यूपीएससी के बहुत सारे फायदे हैं आपको पता है कोड यूज करने के और जो है आपके टू यूज द कोड एंड टू यू नो टेक द सब्सक्रिप्शन थ्रू दिस कोड विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द क्लास ओके सो नाइनटीन से आपके बैचेस भी चालू हो रहे हैं आप एनरोल कर सकते हो राइट सो यूज कीजिए बच्चों जो सीड यूपीएससी कोड और टेलीग्राम चैनल भी यही है तो उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए सो ओके एक सेकेंड मुझे दीजिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है एक सेकेंड ओके okay. आप जब तक थोड़ा एक मिनट मुझे दीजिए आ रहा हूँ

कॉम्प्लेक्स लाइफ मिलती है okay, क्योंकि बच्चों यहां पर एक स्पीशी या एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं पे कई सारी स्पीशी और और्गानिजम, और्गानिजम की बात कर रहे हैं दैट इज द कोरल ओके तो यूपीएससी में जो फेमस एक सवाल भी आया था 2016-17 में कि भाई स्पीशी जो है बायोडाइवर्सिटी जो है विविधता जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ओके okay? बायोडाइवर्सिटी आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा मिलती है या कोरल रीफ्स के अंदर ट्रॉपिकल जो वर्षावन होते हैं उनमें ज्यादा प्रजातियां, प्रजातियां तो परीक्षा में तो उसका था, मैंने भी मैं इसको गलत करके आ, तो कर आ गया था तो मैं जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को टिक करके आ गया था तो बच्चों कोरल रीफ्स में इतनी सारी स्पीशीज मिलती है कि जित जितनी हमने अभी कैलकुलेट जितनी की अभी साइंटिस्ट लोगों ने गिनती भी नहीं कर पाए वो लोग इतनी ज्यादा जो है स्पीशीज आपको मिलती है बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही ज्यादा है कोरल रीफ्स के अंदर पाई जाती है मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं दुनिया के अंदर जो ओशन के अंदर मिलते हैं बायोलॉजिकल हाउस में रहते हैं बच्चों ये कोरल रीप्स और कोरल पॉलिप्स और एल्गे ये दो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे मिलकर जो है आपको ये कुछ इस तरह की जो है पिक्चर जो दिखाई देती है आपको ये पिक्चर जो है आसानी से नहीं बनती है कई तरह के

को, कोरल पॉलिप बच्चों एक तरह का एनिमल आप कह सकते हो इसको साइंस इसको एक एनिमल कहती है ठीक है ये बच्चों कोरल पॉलिप जो है समुद्र के फ्लोर पे जिंदा रहता है ये ठीक है मान लीजिए ओशन फ्लोर है तो यहां पे ये कोरल पॉलिप जो है अपना एक जानवर होता है ये ये समुन्द्र के फ्लोर के ऊपर रहता है ठीक है कई सब आपने देखा कछुआ कछुआ जैसे टॉटो तो उसके ऊपर एक हार्ड वो होता है कवच होता है शेल होता है तो कछुआ गै जैसी को बताया तो उसमें घुस जाता है ऐसी बच्चों ये जो कोरल पॉलिप है ये अपने आसपास एक हार्ड शेल बनाता है ठीक है जिसे जो आपको बाहर से बहुत ही कठोर दिखेगा ओके और इसके अंदर इसका बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है बेसिकली ठीक है ये अंदर इस लिविंग इसका वो होता है पार्ट इस जानवर का ठीक है येल्लो कलर का और इसके बाहर एक कठोर कवच टाइप बनाता है ये ठीक है कठोर कवच बनाता है ये अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बच्चों बना होता है कवच जो बना होता है इसका वो बना होता है सी ए सीओ थ्री से यानी कि लाइम स्टोन ठीक है यानी कि चूना पत्थर लाइम स्टोन से बना हुआ होता है ये कवच अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बनाता है और ये लाइम स्टोन का इसका हासिल आता है ये सीओ सीओ थ्री ये समुद्र के पानी से ही इसको कहीं कही ना कहीं तरीके से फिल्टर विल्टर करके अपना जो है उससे ये बनाता है ये कवच आपस बाहर इसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों ये व्हाइट कलर का होता है ये तो एक्चुअल में जो कोरल पॉलिप का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है ठीक है अब जो कोरल पॉलिप बन गया बढ़िया से ने इसकी कुछ कंडीशन होती हैं हर जगह नहीं बनता किनारे पे बनेगा ये इसको सनलाइट चाहिए इसको जो है ताजा खारा पानी चाहिए इसको जो है ओशन से न्यूट्रिय चाहिए कई तरह की चीजें चाहिए लेकिन बच्चों इसको जिंदा रहने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है ठीक है जिसे हम कहते हैं एल्गे ओके जूजेंथले एक एल्गे होता है ओके okay? अब बच्चों एल्गे क्या होता है ये ये इसके शरीर पर रहने आ जाता है ठीक है जो स्केलेटन है ये इसमें इस आके रहने लग जाता है यहाँ पे ये एल्गे जो है यहाँ पे आके रहने लग जाएगा जगह जगह इसके ऊपर रहने लग जाएगा ठीक है इसका जो स्केलेटन है इसका जो कवच है इसके ऊपर ये एल्गे रहने लग जाता है लाल रंग का बना दीजिए इसको ओके कई तरह के कलर्स का होता है ये एल्गे और ये यहाँ पे रहने लग जाता है बाहर बाहर इसके समझ रहे हो आप ठीक है पर्पल कलर का हो गया पर्पल तो दिख ही नहीं रहा क्या ठीक ग्रीन कलर का हो गया समझ गए चॉइस ये बेसिकली आपके कोरल पॉलिप था कोरल पॉलिप बच्चों एक सॉफ्ट टिश्यू होता है अंदर से तो कवच बनाता है बाहर अपने कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर का इस पे एल्गे रहने आ जाता है और बच्चों इस एलगे की वजह से ये कोरल जो है हमें रंगीन कलर मल्टी कलर दिखता है कुछ इस तरह का ठीक है यहां पे आपको दिख रहा है जो कुछ इस तरह का इसको टेक्सचर मिलता है बिकॉज ऑफ द जू जेंथले एलगे तो बच्चों कोरल रीफ जो इतनी खूबसूरत दिखती है उसमें बच्चों कई ऑर्गेनिजम्स का रोल है बेसिकली ठीक है जू जेंथले ये भी रहता है आपको ठीक है जू जेंथले भी रहता है यहां पे यहां पे कोलर पॉलिप भी रहता है ये सब मिलके रहते हैं यहां पे और ये आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है देते हैं अब गई ये को इस लाइम में जो है और भी कई तरह के समुद्री जानवर केकड़े मछली सांप वगैरह वो भी इनमें रहने आ जाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम जो है ये बनता है ये ठीक है अब अगैस एल्गे का बच्चों जो रिलेशन है ओके कोरल पॉलिप से वो बड़ा ही डिपेंडेबल है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं एल्गे जो रहता है वो कई सारी चीजें देता है ओके कोरल पॉलिप को कोरल पॉलिप जो है एलगे को घर देता है रहने के लिए उसके ऊपर रहता है वो और एलगे उसके बदले में उसको कई सारी चीजें देता है वो हम पढ़ते हैं बच्चों इस तरह के रिलेशन को एनवायरमेंट में या जोग्राफी में सिम्बोटिक रिलेशन कहते हैं ठीक है दोनों जो है आराम से बढ़िया रहते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं सिम्बॉइटिक रिलेशन जो है उस तरह से रहते हैं दोनों समझ गए आप यहां तक तो कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ लीजिए तो वाइज ये मैं बता रहा था आपको बच्चों ये है कोरल पॉलिप ठीक है तो उसके अंदर अंदर जो है ये कोरल पॉलिप है ठीक है अंदर अंदर इसके है बाहर इसके जो है हार्ड कैल्शियम का ये ढांचा है ओके तो ये जो है आपके कोरल पॉलिप है समझ गए आप ओके okay. बाहर इसके कैल्शियम का झट ढांचा है जिसमें कि आपके ये जूज एंथले नाम का एलगे रहने आ जाता है जो कि इसको मल्टी कलर देता है येल्लो यहां पे येल्लो दे दिया ठीक है यहां पे जो है इसको देखिए आप आप जो पर्पल दे दिया ठीक है और आपके ओके ग्रीन दे दिया ठीक है तो यही समझ गए आप तो वो जो जूज एंथले और आपके जो कोरल पॉलिप है वो साथ में रहते हैं और इस तरह से जो है ये अपना जीवन व्यापन करते हैं गाइस कोरल जो होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव यहाँ पे आपको देखिए बहुत अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी ये गाइस बहुत ही सेंसिटिव जो है आपके एक इकोसिस्टम एक होता है बहुत ही सेंसिटिव संवेद संवेदनशील इकोसिस्टम होता है ये यहाँ पे थोड़ी भी छेड़छाड़ इसके साथ करना मतलब इसको जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा भी तापमान आपने ऊपर नीचे कर दिया थोड़ी भी हवा पानी जो है बंद हो गई तो फटाफट ये जो है मर जाता है अलग और इसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल के अंदर ठीक है तो वो जो पहले कंडीशन की बात करते हैं कि कोरल कहां पे मिलते हैं वर्ल्ड में ठीक है तो वो जो कोरल हर जगह आपको समुन्द्र में नहीं मिलेंगे पहली बात तो ये ठीक है हर जगह समुन्द्र में कोरल रीफ आपको नहीं मिलेंगे कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो पाए वहीं पे कोरल रीफ्स आप अपेक्षा कर सकते हो कि वहीं पे कोरल रीफ्स जो है आएंगी मूरे बच्चों एक साइंटिस्ट वर्क करते थे मूरे ठीक है तो मूरे ने बच्चों कंडीशंस बताई कि कोरल रीफ्स कहां कहां समुंदर में मिलेंगे आपको कहां कहां कोरल रीफ्स समुंदर में आपको नहीं मिलेंगे तो जो मूरे ने पहली कंडीशन बताई डेप्थ कि पानी की जो गहराई है वो दस से लेकर पैंसठ मीटर होनी चाहिए ठीक है पैंसठ मीटर के बाद जब गहराई हो जाती है पानी की तो बच्चों वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती और सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा ठीक है सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो कोरल रीफ्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा यहाँ पे तो वो इसके लिए बहुत जरूरी है इसलिए उथले समुद्र में ही शैलो वाटर में ही रहेगा ये क्योंकि सनलाइट अफोटिक जोन के अंदर इसको रहना जरूरी है ओके सो दैट इज द थिंग डेप्थ ऑफ द वॉटर शुड बी टेन टू पैंसठ मीटर ठीक है बचो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर मिल जाए तो क्या बात है जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओके कॉन्टिनेंटल स्लोप वगैरह तो जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर वाइड है बहुत बड़े बड़े हैं वहां पर ये बढ़िया कोरल रीप्स आपको मिलेंगे क्योंकि बच्चों वहां पे पानी जो है एकदम से गहरा नहीं होता ढाल जो है धीरे धीरे करके जो है गहरा होता है पानी एकदम से गहरा नहीं होता पानी तो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है चाहिए होते हैं कोरल्स को ठीक है अब गाइस ये बहुत ठंडे पानी में भी नहीं रहते हैं ठीक है इसलिए बच्चों कोरल अगर मैं आपको दुनिया का मैप पे दिखा पे दिखाऊं ठीक है ये अर्थ ये या वर्ल्ड मैप है ओके तो बच्चों आपको इस, इस इलाके और इस इलाके के बीच में ही मिलेंगे कोरल्स ठीक है आपको यही पे कोरल मिलेंगे ये ज्यादा ठंडे पानी में सरवाइव नहीं कर सकते तो बच्चों मूरे ने एक आइसोथर्म दे दिया कि भैया

21 डिग्री से लेकर सत्ताईस डिग्री सेल्सियस के तापमान में ही कोरल रीव्स मिलेंगे और तापमान तापमान आपको सब ट्रॉपिकल इलाके में मिल सकता है है के आसपास 20 डिग्री 30 डिग्री 30 तक ये मिलता है ये उसके ऊपर ठंडा पानी मिलेगा वहां कोरल नहीं मिलते एक बचो, एक ही पैदा होते हैं आपने कभी नहीं सुना होगा नदी है कोई लेक है कोई मीठे पानी की कोई यू नो सोत्र है वहां पे कोरल रीफ्स हो गए क्योंकि कोरल रीफ्स सिर्फ सॉल्ट वाटर यानी कि समुद्री पानी में ही पैदा होते हैं क्योंकि सॉल्ट इनके लिए जो नमक है समुन्द्र में मिनरल्स हो जो होते हैं बेसिकली नमक कहना सही नहीं है उसे जोग्राफिकल भाषा में तो जो नम जो मिनरल्स होते हैं समुन्द्र के पानी में गई वो इनके लिए न्यूट्रियट्स लेके आते हैं बहुत सारे सो दे आर आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिय तो जो खाने का जो इनका जो न्यूट्रिएंट का सोर्स है वो सॉल्टी वॉटर है समुंदर का तो ये सिर्फ आपको सॉल्टी वॉटर के अंदर ही जो है ज्यादा मिलेंगे अब सॉल्टी वाटर भी गई जिनको ज्यादा खारापन भी पसंद नहीं है और खारापन अगर कम हो तो वो भी पसंद नहीं है तो वो जो खारे पर को नापने के लिए एक यूनिट होती है पार्ट्स पर थाउजेंड ठीक है तीस चालीस जैसे हो गया पैंतीस इसका साइन ये होता है एक यहां गोला दो गोले यहां इसका मतलब पर थाउजेंड तो मैं पैंतीस पीपीटी बोल रहा हूं आपको तो मतलब पानी के अगर सौ टुकड़े कर दिए जाए तो उसमें से पैंतीस टुकड़े जो है नमक के हैं बाकी जो है पानी है तो बच्चों इसी हिसाब से इकतीस से लेके सत्ताइस पार्ट पर थाउजेंड ओके थर्टी वन से लेके थर्टी सेवन पीपी की वैल्यू आप याद रखिएगा इसी सैलिनिटी में जो है कोरल्स फले फूलेंगे बढ़िया आइडल कंडीशन है अब गाइज यहां पे लेकिन पाया गया कि रेड सी जो है पर्शियन गल्फ जो है वहां पे बच्चों कोरल पाए जाते हैं लेकिन वहां पे सेलिनिटी काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां पे कोरल रीव्स पाए जाते हैं तो इसका क्या वजह है ठीक है तो इसका बच्चों रीजन ये है कि रेड सी और पर्शियन गल्फ में बच्चों कोरल रीव पाए जाते हैं और वहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि गाइज वहां पे जो कोरल्स पाए जाते हैं उन्होंने उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है इस तरह से उन्होंने जो है मॉडिफिकेशन कर लिया अपने आप के अंदर कि वो जो है खारे पानी के अनुकूल ढल चुके हैं हजारों लाखों सालों से वहाँ वो हैं तो वो खारे पानी के हिसाब से सैलिनिटी के हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं अब जैसे आदमी भी जाता है कहीं तो कठोर वातावरण में रहता है रेगिस्तान में भी लोग रहते हैं पोल्स पोलर इलाकों में लोग रहते हैं लेकिन वह उन्होंने वहाँ पे हिसाब से अडेप्ट कर लिया है ठीक है तो ये बात है ठीक है तो जो सनलाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है एलगे जो होता है जो मैंने आपको बताया जो एलगे होता है ठीक है उसके लिए बहुत जरूरी है सनलाइट ये सनलाइट के बिना जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा रंग जो है उसके कोरल्स के वो उसको नहीं मिल पाएंगे सनलाइट जरूरी है तो फोटेक जोन में होना इसका बहुत जरूरी है ठीक है फोटेक होन में जो जरूरी है ऑल राइट और जो रिवर माउथ के पास आपको कभी भी जो है नहीं मिलेंगे कोरल्स ये भी बात है ठीक है कोस्ट जो रिवर जहां पे मिलती है ओके okay, समुंदर में आपके आती है वहाँ पे कभी कोरल्स नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि बच्चों रिवर का जो पानी वो मीठा होता है तो वो मीठा पानी जो है सेलिनिटी को बहुत कम कर देता है इस वजह से कभी भी आपको सम, नदी का जो जहाँ मिलती है सागर से वहाँ कोरल्स नहीं मिलेंगे साथ के साथ बच्चों नदी अपने साथ बहुत सारा सैंड और सिल्ट भी लेके आती है बहुत सारा मलवा भी लेके आती है सेडिमेंट्स लेके आती है वो सेडिमेंट्स अगर बेचारी कोरल इतने सॉफ्ट हैं ये अगर वो मिट्टी विट्टी यहाँ पे फंस जाए इनके तो इनकी दम घुट सकता है और चोक हो सकते हैं ये उससे इनकी डेथ हो सकती है इसलिए कभी भी जहां पे नदी समुंदर में मिलती है वहां पे कोरल आपको नहीं मिलते तो भाई ये पूरा एक अच्छा एक आपके लिए आंसर भी है मेंस का एक यूपीएससी का प्रॉब्लम में भी आप इसे पूछा जा सकता है कि कोरल्स के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पे कोरल्स मिलते हैं तो ये सारी कंडीशन है कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टिल हेयर प्लीज आस्क मी फिर आगे बढ़ते हैं हम ठीक है तो वो कंडीशन है जहाँ पे कोरल मिलती है कोरल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है सेलेक्टेड जगहों पर मिलती है और उन पे है? वहाँ पे कंडीशन क्या हैं, ये सारी कंडीशन जहाँ जहाँ पूरी होगी वहाँ पर आपको कोरल्स धरती पर आराम से मिल जाएगी ऑल राइट और नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ कोरल कोरल भी अब कई तरह के होते हैं तीन तरह के कोरल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ठीक है सो वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार लगता है ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में जो है इंटरेस्ट नहीं है कोरल रीफ्स ओके यही चीज़ जब हम पैसे लेके पढ़ाते हैं तो जो है जगह नहीं मिलती है यही चीज़ जब फ्री में पढ़ा रहा है तो कोई आना ही नहीं चाहता ठीक है इसलिए बच्चों आपके लिए हम कोई जो है अच्छे इवेंट्स यहाँ पे जो है नहीं लाते हैं फिर आप अन अकेडमी को गाली देते हो कि अन अकेडमी जो है पैसे लेके पढ़ाता है अन अकेडमी बिजनेस करता है क्योंकि हमने देखा है कि फ्री में जब तक कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी वैल्यू जो है ओके कोई करता नहीं है चांद भी ला दे दे कोई फ्री में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस चांद का एक टुकड़ा की कीमत अगर कोई दस करोड़ लगा दे तो दस हजार लोग उसको खरीदने के लिए आ जाएंगे ठीक है तो भाई आप में ही फिर बच्चों देख लीजिए आप भी ज़्यादा जो है उम्मीद मत रखा करिए फ्री प्लेटफॉर्म से ठीक है जो आप जब बच्चे ही नहीं होते हैं तो हमें भी फिर पढ़ाने का क्या यू you नो know, मन होता है अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है मतलब मैं क्या बताऊँ अगर जोग्राफी पूरी फिजिकल जोग्रफी के दस टॉपिक मुझे कोई बोले लिखने को कि सर दस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो तो मैं इसको टॉप में रखूंगा बच्चों को क्या है पैसे देने हैं लाखों रुपए कोचिंग में जमा कराएंगे वहां पे वाँ आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ा के आधा घंटे में फ्री कर देंगे वो लोग या फिर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन लोगे वहां पे भी मैं यही पढ़ाता हूं वहां पे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पता नहीं पर क्यों क्योंकि तो वहां वो पैसे दे के आते लगता है पैसे दिए तो जो है हमारे को पढ़ना चाहिए एनी वेज यही रीजन है जिस वजह से जो है इनिशियटिव कई सारे एजुकेटर मैं तो नहीं करता ऐसा कई सारे एजुकेटर्स जो हैं फ्री में यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं बात बड़े बड़े वादे कर देते हैं लेकिन फिर वो क्लासेस भी नहीं पूरी नहीं कर पाते क्योंकि आपका सपोर्ट ही उनको मिलता नहीं है तो अन्य कैडी बोलता है भाई क्यों पढ़ा रहे हो फालतू तो मुझे पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे तो क्यों पढ़ा रहे हो ठीक है तो भाई यही उसका जवाब है ठीक है तो आप ज़्यादा अपेक्षा मत करा करिए ओके यूट्यूब के भरोसे मैं वो शुरू से कहता हूँ ठीक है मैंने हालाँकि जो आपको प्रामिसे किए वो सारे मेरे पूरे करे हैं आखिर तक फिजिकल जोग्रफी और इकोनॉमी भी मैं लड़ झगड़ के कैसे कैसे क्लास लगवा रहा हूँ रोज ओके अब नया इनिशिएटिव आ रहा है उसमें कैसे अकोमोडेट करना है ऑन द यूट्यूब ओके सर डोंट डों एक्सपेक्ट फॉर अस कि भाई हम जो है आपको पूरी चीज़ कवर कराएं और हर चीज पढ़ाएं क्योंकि शुरू में आप पे सौ बच्चे आएंगे अगले दिन सेकेंड डे पचास ही रह जाएंगे तीसरे दिन जो है बिल्कुल ग्राफ जो है नीचे ही गिरता चला जाता है क्योंकि गई आप खुद लोग ही नहीं आप लोग ही नहीं पढ़ना चाहते हो यार ठीक है ऐसा इसमान अकेडमी है एजुकेटर्स के लिए कोई वो नहीं है उनका तो काम है हमारा तो पढ़ाना यहाँ नहीं तो कहीं और पढ़ाएंगे बट आप लोगों में जो है सीरियसनेस नहीं है पढ़ने की तो एजुकेटर भी फिर क्या करेगा ठीक है तो टाइप्स ऑफ कोरल आप पढ़ लीजिए आज लास्ट क्लास है वैसे भी ठीक है तो यही गाई इस पर कारण रहता है मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ हम तो नॉर्मल है हमारे लिए सब बट यही कारण है जिस वजह से यूट्यूब पर कोई बड़ी चीज़ हम लॉन्च नहीं करते मेन्स हम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं ऑप्शनल या नहीं पढ़ाते हैं है, कि कोई उसमें आएगा नहीं हमें पता है सबको जो है चटक मटक बातें चाहिए क्लास में अच्छे अच्छे सर जो है चुटकुले सुनाए बढ़िया कोई टाइम पास करें कुछ बढ़िया कोई बात बताएं कहानियां बताएं इधर तो उधर की बातें बताएं तो बच्चों अगर ऐसा करना है तो लाफ्टर चैलेंज ही देख लिया करो यार इतना अच्छे अच्छे यूट्यूब पे और वीडियो हैं हंसी मजाक के वही देख लिया करो ऐसे झूठे आश्वासन में अपना कोई नहीं रखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई भी हो रही है और मेरा टाइम पास भी हो रहा है वो मजा भी आ रहा है ठीक है जहां पर याद रखना जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका पढ़ाई के नाम पर वहाँ आपको उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वहाँ पर आपका समय जो है बर्बाद किया जा रहा है इससे बेटर है खुद पढ़ लो और जो है अपनी जो अपने जब एंटरटेनमेंट का समय हो तो एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज देख लो जिसका वाकई में एंटरटेनमेंट हो ठीक है पढ़ाई और एंटरटेनमेंट को मिलाने की कोशिश ना करें ऐसा आप जो है अपने आप को ही आप बेवकूफ बनाएंगे एनी आगे बढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ कोरल तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कोरल होती है फ्रिंजरीफ ठीक है ये फ्रिंज रीफ होती है फर्स्ट टाइप ऑफ कोरल देन यू हैव द बैरियर रीफ ओके देन यू हैव द अटोल्स ये तीनों में आपको पढ़ाऊंगा ओके फ्रिंज रीफ क्या होती है बैरियर रीफ क्या होती है और अटोल्स क्या होते हैं ठीक है तीन चीजों पे हम चर्चा करेंगे फ्रिंज रीफ ओके बैरियर रीफ और जो है आपके ठीक है अटोल्स ठीक है सबसे सिंपल होती है बच्चों सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोरल्स के बनने का ठीक है मान लीजिए जैसे कि ये आपका जो है ये आपका लैंड एरिया है ठीक है बच्चों ये पानी है यहाँ पे समुंदर है ठीक है वो फ्रिंजरीफ क्या होगी अच्छा हल्का हल्का बनना चालू हो जाएगी छोटे छोटे पैचेस बेसिकली बन जाएंगे कोरल्स के हल्के हल्के पैच जो है उथला आपको दिखता हुआ दिखाई देगा कि समुद्र जो बिल्कुल आपको इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है ठीक है तो वो फ्रिंजरीफ है देखो थोड़ी थोड़ी बन गई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है फ्रिंज रीफ बन गया ठीक है यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा फ्रिंज रीफ बन गया ये थोड़ा थोड़ा जो है फ्रिंज रीफ बन गया ये थोड़ी थोड़ी ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोरल्स का तो अगर अंडर वाटर से आप देखोगे तो आपको इस तरह से जो है कुछ आपको दिखाई देगा ठीक है दिस इज द फ्रिंज रीफ ऑलराइट सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेर द फ्रिंज इज स्टार्ट वेयर द कोरल यू नो स्टार्टअप ओके यहाँ पे अगर और बढ़िया इनको माहौल मिला बढ़िया खाना पीना आता रहा इनका सैलिनिटी वगैरह मेंटेन रहती है न्यूट्रेंट वगैरह समुद्र से आ रहे हैं तो बच्चों फ्रिंज रीफ जो है बड़ी हो जाएगी दे विल ग्रो इन टू बैरियर रीफ तो पहला मतलब बच्चा जो है आप समझ लीजिए यहीं पैदा होता है इसे हम कहते हैं फ्रिंज रीफ ओके नियर द कोस्ट लाइन अराउंड द आईलैंड ओके सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग विच हैपेंस दैट इज द फ्रिंज रीफ्स ठीक है तो बच्चों शोर से छोटे उथले पानी से अलग होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है सबसे कॉमन आपको मिल जाएगा फ्रिंज जहां भी, भी थोड़ी सी जगह मिलती है कोरल को बढ़िया लाइट वाइट आ रही है ओके समुंदर से खारा पानी आ रहा है करंट्स आ रहे हैं ओशन करंट आ रहे हैं है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जा रहे हैं बढ़िया वहां पे कोरी को जो है कोरल रीफ स्टार्ट कर देगी हल्के हल्के पैचेस में जो है उगना जो है स्टार्ट कर देगी ठीक है सो कोरल पलट डो नॉट एक्सटेंड आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ द सडन एंड द लार्ज इंक्रीज इन द डेप्थ ठीक है ज्यादा आगे नहीं जाती है ठीक है किनारे पे रहती है ज्यादा आगे जाने पे जो है नीचे डूब भी सकती है ये तो जो कोरल भी डूब सकती है पानी में आप समझ रहे हो कि हम डूबी तो रहती है सर हमेशा वो वो तो जो ज्यादा गहरा पानी हो जाएगा तो उसे जो है डूब सकती है वो भी उसको लाइट वगैरह चाहिए होती है तो एक निश्चित सीमा में ही वो रहती है ज्यादा गहरा भी नहीं चाहिए उसको पानी ये गई स्प्रिंज रीफ होती है आपके समझ गए आगे बढ़ते हैं बैरियर रीफ ओके व्हाट इज द बैरियर रीफ्स व्हाट आर द बैरियर रीफ्स ठीक है बैरियर रीफ्स आप गेट बैरियर आपने सुना ही होगा ठीक है इट्स no, ओके no, okay. शिवांगी हो गए कुछ लोगों को पढ़ना होता है बस ओके मेजोरिटी ऑफ उसकी बात कर रहा हूं मैं आप एक दो की बात नहीं कर रहा तो बच्चों बैरियर रीफ क्या होती है बच्चों बैरी रीफ बेसिकली बड़ी फ्रिंज रीफ होती है अब ये फ्रिंज रीफ ही जो है बड़ी हो जाएगी तो ये बैरियर रीफ बन जाएगी सबसे आपने बैरी रीफ का नाम भी सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया है आपका ठीक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ओके बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहां पे पर बैरियर रीफ जो है मिलती है इस इलाके में ये कौन सा इलाका हो गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का जो समुंदर है ये वाला यहां पे बच्चों बैरियर रीफ आपको मिलेगी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है लगभग ढाई हजार किलोमीटर ओके और 25 किलोमीटर चौड़ी ये एक लंबी रीफ है बैरियर रीफ कहते हैं इसको ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने इस पर भी प्रोटेक्टेड एरिया भी घोषित कर दिया इसको, ताकि ये रीव्ण, कोरल रीव्ण यहां पे जो है इसको परेशान ना ठीक है आप जो सी जो है पे एंटर भी नहीं कर सकता आपके लिए दैट इज बेसिकली बैरियर लार्ज स्ट्रक्चर्स फॉर्मड बाय दी वर्ड ग्रोथ ऑफ कोरल जब ज्यादा ही बढ़िया ग्रोथ हो जाए ओके okay. तो जो है कोरल्स बच्चों बड़ा रूप ले लेती है और जो है आपके लिए एक बैरियर की तरह काम करती है बैरियर बच्चों क्यों बोला गया है इनको ठीक है क्योंकि जहाज वगैरह जो है जहाज समुन्द्र के छोटे नावें कोस्ट तक नहीं पहुंच पाएगी जैसे एक जहाज को ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ डेरा डालना है ठीक है यहां से आ रहा है वो तो बच्चों यहां से वो नहीं आ सकता क्योंकि बीच में बहुत बड़ा बैरियर है ये तो उसको पूरा या तो घूम के आना पड़ेगा इधर से या उधर से यहां से नहीं आ सकता क्योंकि बैरियर है खड़ा हुआ है ठीक है बच्चो बैरियर रीफ का एक और लॉजिक दिया जाता है कि बैरियर तो होता है आईलैंड प्लेट है ठीक मतलब है, है लेकिन समुद्र जो है वो पानी जो है यहां तक भरा हुआ है ठीक है तो बच्चों कोरल्स क्या होंगी इस जगह पे ज्यादा पैदा होंगी क्योंकि आइडल जगह है उनके बनने के लिए ठीक है कई बार बच्चों क्या होता है जो है नीचे जाने लग जाते हैं सिंक करने लग जाते हैं ठीक है तो जैसे ही सिंक करेगा तो कोरल भी नीचे चली जाएंगी इसके साथ में 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 ठीक है है इससे जो जो अफोटिक अफोटिक जोन 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 चली चली जाएगी जोन से जोन में चली जाएगी फोटिक से जाएंगे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है कोरल घुटने लगेगा तो कोरल बच्चों अपवर्ड ग्रोथ ज्यादा करेंगी यहाँ पे ठीक है अपवर्ड ये नीचे जा रहा है मान लीजिए ओके पार्ट तो कोरल जो है अपवर्ड ग्रोथ करेंगी और बच्चों बैरियर बैरियर का रूप ले लेगी इसी तरह से गई ये भी हो सकता है कि समुंदर का पानी का लेवल बढ़ गया हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा बर्फ पिघल गई हो और समुद्र का पानी जो है ज्यादा बढ़ गया हो तो बच्चों तो क्या करेगी कोरल अब कोरल को तो जिंदा रहना है कोरल को जिंदा रहना है तो कोरल को तो ऊपर अफोटिक जोन में फोटिक जोन में रहना है तो कोरल और ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगी ठीक है और ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगी और एक बैरियर का वो रूप ले लेंगी तो इस तरह से बैरियर रीफ्स बनती है नेक्स्ट मूव ऑन टू द ठीक है तो आप पिक्चर देख सकते हो ठीक है तो बच्चों ये आपका कॉन्टिनेंटल इलाका है कॉन्टिनेंट है लैंड है ये आपके बैरियर रीफ तैयार हो गई है बन गए यहां पे ठीक है तो इसे कहते हैं हम बैरियर रीफ ठीक है आगे हम चलते हैं अटोल्स की बात करते हैं बच्चों बच्चो अटोल्स का बनना और बड़ा बेचीता कॉम्प्लेक्स है ठीक है थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप साइंटिस्टों को कई बार जो है इसने परेशान करा ठीक है डार्विन वगैरह होके कई बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं इनकी इस पर जो है अपनी थ्योरीज uh, दे चुके हैं कि अटोल कैसे बनते हैं ठीक है अटोल आइलैंड कैसे बनते हैं ये तो अच्छा अटोल आइलैंड गईज आपको मैं समझाऊंगा अच्छे तरह से आज भी लेकिन गई हंड्रेड परसेंटली कोई श्योर नहीं है कि अटोल जो है कैसे बनते हैं ठीक है आज भी कोई हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है कि अटोल कैसे बनते हैं बट फिर भी क्लोज टू यू नो वी आर ऑलमोस्ट देयर हाउ द अटोल आप खुद ही सोचिए यार ये पेचीदा ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ इसमें चारों तरफ जो है ये सफेद सफेद सा जमीनी इलाका मुझे दिख रहा है और बीच में जो है पानी है लगून कहते हैं इसको अब आप खुद ही सोचिए कैसे बना होगा ये अभी साइंटिस्ट कोई इसको देखे कोई इसको और कोई को जो है ओशनोग्राफर इसको देखेगा तो बच्चों कितना वो बहुचक्का रह जाएगा कि यार ये कैसे बना है इसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये कैसे बना है ये चारों ये रिंग टाइप बन गई है ओके चारों तरफ समुन्द्र के अंदर ये कैसे बनी है ओके तो इट वाइट, वाइट का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली कोरल ही है कोरल्स नहीं बनाया इसको ठीक है लेकिन कोरल ने ऐसा डिजाइन कैसे चुना मतलब सर्कुलर कैसे हो गई ये ये गई थोड़ा साइंटिस्टों को काफी समय तक परेशान करा इस बात ने ठीक है तो वो कई लोगों ने इस पे कई थ्योरिया दी कि भाई ऐसे बना होगा वैसे बना होगा ओके मैं आपको सब्सिडेंस थ्योरी से समझाता हूं ये कैसे बना होगा ये ओके तो गौर से आप समझिएगा ठीक है कि कैसे ये बना है अटोल ठीक है सर्कुलर शेप होता है ये ठीक है ठीक है तो बचा एक सर्कुलर शेप होता है बेसिकली इस तरह का जिसके बीच में पानी होता है ठीक है इस इसके बीच में जो है पानी होता है ये पानी भरा रहता है इसे हम कहते हैं लगून ठीक है लगून, लगून कहते हैं गाइस ये पानी कभी कभार क्या है सूख जाता है जरूरी नहीं हमेशा बना ही रहे बीच में सूख जाएगा निकल जाएगा बाहर तो ये पूरा एक वाइट कलर का अब तक अभी तक गाइस ये ट्रू अटॉल है अभी इसका नाम क्या है ट्रू अटॉल है यह ये ट्रू अटोल है एक तरह से ठीक है अब इसका पानी हम सुखा देते हैं ठीक है पूरा वाइट कलर का हो गया है ये ठीक है पूरा पानी हमने इसका सुखा दिया पूरा पानी सुखा दिया और ये पूरा जो है आपके व्हाइट कलर का एक हो गया है मान मान लीजिए आप इस तरह का हो गया ये पानी बीच में से गया इसके अब इसके बीच में जो है जमीनी इलाका बन चुका है यहाँ पे पेड़ वेड़ भी आ चुके हैं लग चुके हैं ठीक है ठीके? ये होता है बच्चों अटोल आइलैंड ठीक है ये आइलैंड है

ऐसा समय रहा हो कि बीच में जो है पानी रहा हो उसमें तब हम इसको कहते हैं ट्रू अटॉल तब ये तब हम इसको कहते थे ट्रू अटॉल ठीक है दैट इज दैट टाइम इट वुड हैव बीन नोन एज़ द ट्रू अटॉल समझ गए आप अब जब भाटिया पानी बीच में से तो सेट कहते हैं अटॉल आइलैंड खैर एनीवेज यही हमको समझना है कि ओके कि क्या जो है यहां पे आपके एक सेकेंड ठीक है तो अटोल बच्चो सर्कुलर होता है बेसिकली आर अस्सी से डेढ़ सौ मीटर की गहराई हो सकती है जो कि बाद में जो है पानी सूख जाता है ये बाद में जो है आपके यू नो इसको जो है ये एक आइलैंड बन जाता है लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज दिस अटोल वॉज फॉर्मड ठीक है तो यही से आपको पता है बच्चों जो अर्थ पे जो सर्फेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया जो है अर्थ पे चलती रहती है जियोमोफोलॉजी मैंने आपको समझाया था ठीक है तो मैं आपको बताता हूं अटोल तो, बच्चों बनता कैसे है हाउ डज द अटोल इज फॉर्म ठीक है टॉप व्यू रहेगा ऊपर से देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं हम इसको ठीक है ये ऊपर से ली हुई पिक्चर है अटोल के बनने की प्रक्रिया है ये ऊपर से और यही साइड से कैसा दिखेगा वो आपको जो है यहां पे दिखेगा एक ही चीज है ये जो है एक ही चीज है ये टॉप व्यू है ओके टॉप व्यू है ये साइड व्यू है समझिए आप साइड से मैं आपको दिखा रहा हूं कि अटॉल तो जो है कैसे बना तो बच्चों स्टेज वन में क्या हुआ एक वॉलकैनो बहुत बड़ा एक वॉलकैनो आ गया मैग्मा कहीं से भी निकल सकता है अर्थ में कोई 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 फिक्स्ड वो तो है नहीं परिभाषा तो कुछ है नहीं ठीक है और जो है वोकैनो आपका जो है निकला और उसकी वजह से वॉलकैनिक माउंटेन जो है समुन्दर के बीचों बीच जो है बन गया ओके क्यों बना भाई ये क्योंकि वोलैनो निकला वोलकैनो निकला तो मैग्मा आया मैग्मा जमा हो गया तो इसने पहाड़ का एक रूप ले लिया समुदर के पहले अंदर रहा होगा ये छोटा रहा होगा जब और आया तो समुंदर के बाहर निकल गया ठीक है तो बच्चों पहले आइलैंड बना एक या आइलैंड बन गया एक पूरा इस क्यों बना आईलैंड वोलकैनो की वजह से बना ये ठीक है अब बच्चों वोल्कैनिक प्रक्रिया इसमें हो गई बंद अब मैग्मा आना होना होना हो गया बंद तो उसकी हाइट जो है अब लिमिटेड हो गई अब जो है इसकी हाइट ऊपर और नहीं बढ़ेगी क्योंकि नीचे से मैग्मा जो है आना बंद हो गया ये मैग्मा का स्रोत्र जो है खत्म हो गया है ठीक है अब गई पहले तो उस पर क्या है इरोजन हो रहा था लेकिन बच्चों डिपोजिशन ज्यादा हो रहा था क्योंकि मैग्मा तो बहुत प्रचुर मात्रा में निकले जा रहा था तो इरोजन का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था अब इस पर सिर्फ इरोजन होगा और इसकी हाइट जो है वो इतनी ही रहेगी इसकी हाइट जो है इतनी रहेगी अब ऊपर नहीं बढ़ेगी अब इरोजन होगा इसका तो बच्चों इरोजन होने की वजह से क्या होगा ये नीचा होगा जैसे रावली माउंटेन है आज एक समय बताते हैं कि वो हिमालयास से भी ऊंचे थे तो क्योंकि बच्चों हिमालयास आज भी ऊंचे हो रहे हैं क्योंकि दोनों प्लेट्स टकरा रही हैं तो जो है ऊंचे हो जाते हैं ओके हर साल उसी तरह से बच्चों अरावलीज भी एक एक तरह से से टाइम पे बताते हैं कि से भी ऊंचे थे और अरावलीज में लेकिन अभी जो है अपलिफ्टमेंट बंद हो गया एक समय पर तब से उन उनपे इरोजन ही हो रहा है तो आज वो बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़ बन के रह गए हैं ठीक है तो बच्चों इस पहाड़ की भी वही कहानी है अभी इसमें बंद हो गया ऊपर होना उसका रोजन एक्ट करेगा तो उसकी हाइट जो है छोटी होती चली जाएगी और ये सिंक बेसिकली करने लग जाएगा नीचे इरोजन होता चला जाएगा ओके अब इसका कई तरफ से इरोजन हो रहा है ऊपर से हवा पानी पड़ रहा है इस पर यहां से वेव इसको काट रही है तो इसे बच्चों इरोजन हो रहा है इसका ठीक है छोटा हो गया पहाड़ ये ठीक है और बच्चों इरोजन होगा तो ग्यट बन जाएगा बेसिकली सरकटे पहाड़ जो होते हैं ये इस तरह का बन जाएगा क्योंकि ऊपर से हवा से लहरों से बारिश के पानी से इसका जो है ऊपर का पार्ट मुंडी जो है पूरी पूरी गायब हो चुकी है अब ये ग्योट बन चुका है इस तरह से ठीक है दिस इज ओके अब अगैस ये यहाँ पे पता चला कि यू नो जो है बच्चों एक आइडल कंडीशन हो गई कोरल रीफ के होने की कोरल रीफ को जगह मिल गई समुद्र के बीच में जहां पे वो उग सकती है देखो इन जगहों पे क्योंकि तो यहां पे डेप्थ बिल्कुल सही है सैलिडिटी भी है यहाँ पे कोई नदी भी नहीं है सनलाइट भी यहां पर आ रही है एक बेस भी उसको मिल गया तो बच्चो यहाँ पे कोरल रीफ जो है बनना चालू कर देगी छोटी छोटी कोरल जो है बनना चालू कर देगी ठीक है इसके चारों तरफ आइलैंड के कोरल जो है चारों तरफ इसके हल्की हल्की बन जाएगी ठीक है अब क्या होगा ये आइलैंड जो है बच्चों और नीचे जो है सिंक करना चालू चालू करेगा ठीक है सिंक मतलब नीचे जाएगा और डूबेगा ये ओके अब बच्चों आइलैंड तो नीचे जा रहा है टाइटेनिक तो डूब रहा है अभी थोड़ी टाइटेनिक के साथ आप भी डूब जाओ ठीक है आप तो ऊपर आ जाओगे ना आप तो ऊपर आने की कोशिश करोगे उसी तरह से बच्चों आइलैंड नीचे जा रहा है लेकिन ये जो है कोरल जो है ये जरूर ऊपर आने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको तो एक फिक्स्ड ऊंचाई पर रहना है जहां पे उसको सनलाइट भी मिलती रहे ठीक है जहां पे उसको जो है खाना पीना भी मिलता रहे नीचे समुद्र में जाके क्या करेगी वो ठीक है तो बच्चों ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा कि आइलैंड जो है नीचे डूब रहा है और ये कोरल जो है ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है ठीक है इसको यहां पे आप कह लीजिए ये एक बैरियर रीफ बन चुकी है या फ्रेंज रीफ बन चुकी है ठीक है कुछ समय बाद बच्चों और नीचे चला जाएगा ये आइलैंड और ये रीफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेंगी ऊपर की तरफ ओके और ये छोटा सा जो गोला यहां पे था ये बड़ा एक ऊपर गोला बन के रह जाएगा इस तरह से और ये एक आपके बन गया अटॉल ठीक है और अटॉल के बीच में रह गया पानी तो उसको कहते हैं लगून और ये आपका बन गया ट्रू अटॉल ठीक है ट्रू अटॉल अभी ये रहने के लायक नहीं यहां पर पे कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ समय बाद बच्चों पानी जो है बीच का सूख जाएगा और ये एक आइलैंड बन जाएगा उसे हम कहते हैं अटॉल आइलैंड तो पहले अटॉल ऐसा होगा बीच में पानी सूख जाएगा पानी सूखने के बाद ये इस तरह का बन जाएगा अटॉल आइलैंड जैसे हमारे लक्षद्वीप से मालदीव का पूरा देश बना हुआ है इन्हीं आईलैंड के ऊपर तो वही ऐसे जो है अटॉल्स और कोरल रीफ जो है आपके आइलैंड बनाती है किसी को भी समस्या यहां पर मुझसे पूछिए फटाफट ऑल राइट ज्वाइन माई चैनल ठीक है मिल जाएंगे. थीके? थीके, तो बोलो ये आपके अटॉल ऐसे बनते हैं कोई समस्या हो अटॉल बनने में तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी ठीक है तो वो जो कोरल्स का मैं आपको बताया था पूरी दुनिया में कोरल जो है आपको सबसे ज्यादा समुद्र इक्वेटर वाले इलाकों में मिलेगा यहां पे जो है कोरल मिलती हैं ठीक है थीके। तो देखिए सबसे ज्यादा इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कोरल्स के लिए इसको हम कहते हैं कोरल ट्राइंगल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूं बचो ये ये फिलिपीन और ये जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है कोरल्स की इसको आप कह सकते हो कोरल ट्राइंगल तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि कोरल ट्राइंगल कहां पे है भाई तो ये कोरल ट्राइंगल यहां पर साउथ ईस्ट एशिया में जो है कोरल ट्राइंगल आपको मिल जाएगा तो ये पता होना चाहिए तो देख लीजिए आप कोरल जो है ट्रॉपिकल इलाकों में ही मिलते हैं बस क्योंकि ऊपर जो है पानी बहुत ठंडा है वहां पे कोरल आपको नहीं मिलेंगे समझ गए ओके ऑल राइट अब जो कोरल कोरल्स के बारे में यही जो मैंने आपको बताया था सिम्बॉइटिक रिलेशन में रहते हैं वो ठीक है जो जूज एंथले जो एलगे है वो आपके कोरल पॉलिप के साथ रहता है तो बच्चों जू जेंथले जो है सिंबोटिक रिलेशन में रहता है पॉलिप के साथ में न्यूट्रिएंट प्रदान करता है ये ठीक है तो जो कोरल पॉलिप था तो यही ये जो कोरल पॉलिप था ये जो इसके ऊपर एलगे रह रहा था बच्चों ये सिंबोटिक रिलेशन में रहता है ठीक है इस एलगे को बच्चों जू जेंथले को कोरल पॉलिप रहने की जगह दे देता है जैसे वो हेरा फेरी में वो रहता था ना आपके अक्षय कुमार जो है परेश रावल के घर में रहता था तो परेश रावल क्या करता था उसको घर में रहने की जगह दे देता दे था, था अक्षय कुमार क्या करता था खाना वाना बना देता था परेश रावल का दाल वाल में तड़का लगा देता था, था तो उसी तरह से बच्चों जूज एंथले जो ये यहाँ पे एल्गे है ये जो है आपके लिए ये जूज एंथले एलगे जो है कोरल पॉलिप को प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें काबिलियत है फोटोसिंथिस के द्वारा ये एनर्जी और कई तरह के न्यूट्रिय बना सकता है तो बच्चों वो ये इसको देता है इस कोरल पॉलिप को कौन देता है जूज एंथले जो एलगे है ये देता है कोरल पॉलिप को ये सारे न्यूट्रिएंट्स समझ गया इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो है दोनों बढ़िया आराम से रहते हैं वो घर दे देता है उसको रहने के लिए और जो है उसको वो एलगे जो है खाना दे देता है तो बच्चों सिम्बॉयटिक रिलेशन इसे कहते हैं हम ठीक है दिस इज द दिम्बॉयटिक रिलेशन बेसिकली ठीक है ओके okay. ठीक है तो एनर्जी वगैरह उसे मिलती रहती है न्यूट्रिय मिलता रहता है कोरल पॉलिप को ठीक है इसके बदले कोरल पॉलिप बच्चों उसको एनवायरनमेंट देता है रहने का घर देता है ओके कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है सप्लाई करता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एलगे है वो में काम करता है तो जो भी फोटोसिंथेस में काम करते हैं प्लांट्स है एलगे उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोरल आपका पॉलिप जो है दे देता है रिलेशन बच्चों दोनों जो है फलते फूलते हैं कोई दिक्कत नहीं है और कल्स ये ब्यूटिफुल कलर जो ये है मिलते हैं ये जो अलग अलग तरह तरह के कलर्स मिलते हैं ये जूज एंथले की वजह से मिलते हैं ऑलरेडी मैं वो बता ही चुका है आगे बढ़ते हैं ठीक है कोरल ब्लीचिंग अपन कर लेते हैं एक बार ठीक है कोरल ब्लीचिंग्स ब्लीचिंग क्या होती है ओके वॉट इज द कोरल ब्लीचिंग, ओके, तो कोरल ब्लीचिंग बेसिकली एक, एक होती है जहां पे ये जो, होता है, जो, आपको बताया, ये जो है ये बेचारा जो है बहुत ही नाजुक जानवर होता है जू जेंथले ठीक है जो जू जेंथले है ठीक है बाहर जो इसके रह रहा है जो कोरल को अलग अलग कलर दे रहा है ये जू जेंथले

और बच्चों इससे एक प्रक्रिया जो कि बहुत ज्यादा दुनिया में भी देखी जा रही है उसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग जो है देखने को मिलती है कोरल ब्लीचिंग मतलब गाइस जो है ब्लीचिंग मतलब क्या बचपन में आप, आप बचपन में क्या बचपन में तो मैं कराता था आप तो अभी भी कराते हो ब्लीचिंग जो है लड़कियां करवाती है बेसिकली पार्लर में जाके ब्लीच कर देते हैं चेहरे को तो चेहरा जो है एकदम सफेद दिखता है ओके चमक था एकदम फॉक्स लाइट मारता है आगे तो ब्लीचिंग उसके लिए बच्चों आप करा सकते हो ब्यूटी पार्लर या सलून में जाके ठीक है तो बच्चों कोरल में ब्लीचिंग हो जाए तो वो कोरल को पसंद नहीं है ठीक है कोरल ब्लीचिंग किसी को पसंद नहीं है कोरल जो है खेल खिलाती हुई जो है अच्छी लगती है ओके तो बच्चो कोरल ब्लीचिंग में कुछ आपको इस तरह की हो जाएगी कोरल्स तो बच्चो यहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ ढांचा ढांचा रह गया है इसमें से जो एल्गे था और जो कोरल पॉलिप था वो मर चुका है ठीक है व्हाइट कलर की हो चुकी है ये ब्लीचिंग क्योंकि व्हाइट कलर हो जाता है तो इसको ब्लीचिंग से जोड़ा गया है कोरल ब्लीचिंग कि ब्लीच हो गई भाई सारा कलर था जितनी खूबसूरत कोरल कोरल जो इस तरह की थी ओके okay, खूबसूरत कोरल आपके थी जो ओके कलरफुल इतनी कलरफुल थी ये कलरफुल थी बच्चों इसकी हालत हो गई आपके इस तरह से व्हाइट हो गई है बिल्कुल ये ओके okay. इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग अब गई ये क्यों होता है बच्चों ये होता है क्योंकि जो कोरल पॉलिप जो है और जो एल्गे है वो उसकी डेथ हो जाती है बेसिकली और उसकी वजह से कोरल जो है वाइट कलर हो जाता है ओके ओके एक एक दूसरे दूसरे निर्भर निर्भर है 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 ये okay. ये है, ये को एल्गे कोरल पॉलिप अब डेथ हो जाएगी किसी को भी एक दिक्कत होगी दूसरा भी मर जाएगा ठीक है तो पहले हल्का फुल्का कुछ बदलाव आता है तो आप उसे कहते हो स्ट्रेस्ड कोरल ठीक है अगर जो है स्ट्रेस हो जाता है कोरल जहां पे एल्गे जो है सबसे पहले प्रभावित होता है एल्गे की मात्रा जो है कम होने लग जाती है कोरल में तो आप कह सकते हो कि कोरल जो है स्ट्रेस्ड कंडीशन में अगर इसके बाद भी जो है स्थितियों में जो है सुधार नहीं होता तो फाइनली गाइज यू विल गेट द ब्लीचड कोरल्स वाइट कोर जहां पे जो है कोरल इज लेफ्ट ब्लीच और वर्न बाद कोरल जो है चली जाती है व्हाइट कलर की हो जाती है अब लेकिन ऐसा होता क्यों है ये भी जानना हमारे को जरूरी है ओके okay? तो गाइज जैसा कि मेरा आपको बताया बच्चों कोरल है बहुत ही सेंसिटिव एक इको एक होता है ये ठीक है तो ओशन के टेम्परेचर में बच्चों अगर बदलाव आ जाए कम ज्यादा हो जाए ओशन का टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो जाए उस वजह से ये हो सकता है पल्यूटेंट्स अगर एंटर हो जाए पानी के अंदर समुद्री पानी के अंदर पल्यूटेंट्स अगर एंटर हो जाए रिवर जो है पल्यूटेंट से लहरें वहरें कोई गलत चीज ले आए ठीक है ओवर एक्सपोजर सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज हो जाए तो जल जाएगी कोरल बेचारी ओके लो टाइड आ जाए पानी जो है बहुत ज्यादा पीछे खिंच जाए तो कोरल जो है पानी के बाहर आ जाएगी पानी के बाहर बच्चों जिंदा नहीं रह पाएगी ये तो कई सारे कई कारण हैं कोरल ब्लीचिंग होने के फिलहाल बच्चों इन ओके ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है ग्लोबल आपके कोरल ब्लीच होने का ठीक है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज होता है या नेचुरल इवेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से जूज एंथले का जो ये बैक्टीरिया जो एलगे था वो कमी आ गई उसकी वजह से पिगमेंटेशन जो है कम हो गया है कलर जो वाइब्रेंट कलर थे कोरल रीव्स के वो अब जो है डायलूट से हो गए हैं थोड़े सो दिस इज द कोरल ब्लीचिंग ठीक है ओके okay. तो ओवर एक्सप्लोटेशन से फिशिंग करने से सेडिमेंटेशन से न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है ठीक है तो इन सब से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है तो बचो वायलेंट स्ट्रॉम आ जाए अगर आंधी तूफान टेम्परेचर लो हो जाए ज्यादा हो जाए एलिनो लालीना मैंने आपको बताया था पढ़ाया था अच्छे से ओके एलिनो लालीना के इवेंट में भी जो है आपके कोरल्स जो है मर जाते हैं ठीक है स्ट्रेस होती उनको पड़ जाता है ओके okay. दिस इज द रीजन ठीक है तो हमने आपको बताया था कि एलिनो में बच्चों कैसे जो है गर्म पानी का करंट जो है अलग ही चलता है पेरू के कोस से साउथ अमेरिका से तो गर्म पानी बच्चों ज्यादा भी हो जाए तो वो टेम्परेचर को जो बढ़ा सकता है और कोरल्स के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है ठीक है सो तो ग्लोबल वार्मिंग यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है कोरल ब्लीचिंग होने का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग से बचो औसुतन टेम्परेचर जो है ओशन्स का बढ़ चुका है लगभग एक डिग्री सेल्सियस अब एक डिग्री से आपको लगता होगा अरे सर एक डिग्री क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन बच्चों कोरल्स बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है तो उनको लिए उनको इफेक्ट पड़ता है यार उस वजह से उनकी जो है डेथ हो सकती है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बच्चों एक और समस्या हो गई है ग्लेशियर्स और एंटार्क्टिक आर्टिक में जो बर्फ थी परमानेंट वो पिघल रही है जिस वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है सी लेवल राइज हो रहा है इससे बच्चों कोरल्स डूब रही है फोटिक जोन से फोटिक जोन में जा रही है वो यानी कि लाइट वाली एरिया से वो डार्क एरिया में जा रही है तो वहां पे उनका कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ठीक है अलिनो लालीना बच्चों मैंने बता ही दिया ओशन करंट्स में मॉडिफिकेशन होते हैं ठंडा गर्म पानी ज्यादा हो जाता है तो वो भी सेंसिटिव है कोरल्स को लिए भी उसमें भी कोरल जो है सर्वाइव नहीं कर पाती ठीक है तो एसिडिक एसिडिटी भी हो रही है एसिडिक हो रहे हैं ओशन सेवन पॉइंट थ्री जो है नॉर्मल पहले वैल्यू हुआ करती थी पीएच वैल्यू वो जो हो गए इस तरह की वैल्यूज गई याद रखें और अपने आंसर में इनको जरूर लिखें ठीक है दीज आर बेसिकली और यू पी एच लेवल ऑफ द ओश, ओशन तो थ्री से पीएच गिर कर पीएच गिरता है तो मतलब समझ लीजिए पानी जो है एसिडिक हो रहा है वो सेवन पॉइंट थ्री था पहले ओशन वाटर का पीएच तो अब जो है वो सेवन पॉइंट वन हो गया है यानी कि एसिडिक हो गया है समुद्र का पानी ठीक है और एसिडिक पानी में कोरल का कोई काम नहीं है कोरल मर जाती है वहां पे बेसिकली ओके जीनो का भी बच्चों रोल एक अच्छा वर्ड है जीनो बायोटिक्स. जीनो बायोटिक्स होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बायोटिक्स मतलब बायोलॉजी मतलब, से रिलेटेड जीनो मतलब बाहर का दूर प्रदेश का ठीक है ओके okay, तो बचो जीनोबायोटिक्स कहता है कि दूसरे जब एलियन स्पीशी आप कह सकते हो दूसरे ऑर्गेनिजम्स दूर परदेश के यहाँ पे इन्वेड कर जाए इनको ठीक है कोरल्स के अंदर जो है घुस जाए वो उनको खा जाए बीमारी लग जाए कोई जैसे यू you नो know, आपको पता ही है उन्हें हम कहते हैं जीनोबायोटिक्स तो उससे भी जो है कोरल्स की डेथ हो सकती है ठीक है एपिजोटिक डिजीजेस भी होते हैं कोरल्स जो होती हैं आपके ओके है? उनपे एपिजोटिक डिजीजेस लग जाते हैं ब्लैक बैंड व्हाइट बैंड डिजीज एपिजोटिक डिजीजेस जिनको कहते हैं हम बेसिकली कोरल के डिजीज इंसान को भी कई सारी बीमारियां होती है कैंसर वगैरह वगैरह यू नो हार्ट का प्रॉब्लम तो बच्चों ऐसे कोरल को ब्लैक बैंड व्हाइट बैंड कई तरह के डिजीज होते हैं तो उनसे भी कोरल की डेथ हो जाती है ऊपर से बच्चों पल्यूशन एक मुख्य कारण है ओशन डंपिंग ऑयल स्पिल ओके मरीन पल्यूशन से भी जो है कोरल्स की डेथ हो रही है कोरल ब्लास्टिंग बच्चों करते हैं कई मछुआरे जो होते हैं बेरहम वो क्या करते हैं कोरल्स में जाते हैं नीचे बॉम्ब फोड़ देते हैं उससे क्या होता है मछलियां जितनी भी होती है बाहर आ जाती हैं एक दवाई के लिए डर के मारे और फट मछुआरे जो हैं पकड़ लेते हैं मछलियों को तो वह जो बहुत ही क्रूअल तरीका है मेरे से बेरहम तरीका है मछली पकड़ने का इसलिए इससे मछलियां तो चलो पकड़ लेते हैं वो लेकिन वो कोरल्स जो होती हैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है सो तो ये कुछ कारण है आपके जो है जिनकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है ठीक है तो वो क्लाइव विल्कमसन रिपोर्ट थोड़ा आप देख लीजिएगा ठीक है ये आपके इस पर सवाल आ चुका है ऑलरेडी तो ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत है नहीं ठीक है तो बच्चों 1997-98 के अंदर एक बहुत बड़ा बच्चों एक इवेंट होता है अर्थ के ऊपर अल्लिनो आता है बहुत खतरनाक 97 98 के अंदर 98 के अंदर बेसिकली एलिनो आता है बच्चों यानी कि ओशन वार्मिंग हो जाती है बहुत ज्यादा ओशन जो है गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा बेसिकली ठीक है ऐसे समय बच्चों कोरल्स की जो है डेथ हो जाती है दुनिया के अंदर ठीक है बहुत ज्यादा जो है कोरल्स की जो है ब्लीचिंग की घटना जो है पाई जाती है नाइनटीन सेवन नाइनटी एट के अंदर ठीक है इससे बचो दुनिया भर के देश जो हैं लोग हैं चिंतित हो जाते हैं और एक कमेटी बैठाते हैं वो क्लाइव विल्किसन एक आदमी होते हैं वो जो है इस कमेटी को हेड करते हैं और वो एक रिपोर्ट सबमिट कराते हैं कि भाई कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है कहाँ पे हो रही है कितनी हो रही है वगैरह वगैरह ठीक है तो ये बच्चों रिपोर्ट का नाम भी अगर आप लिख दोगे कोरल पे कोई क्वेश्चन आया और आपने इसका नाम भी अगर लिख दिया तो आप समझ लीजिए प्लस वन प्लस वन पॉइंट फाइव मार्क्स आपके पक्के हैं क्योंकि ये रिपोर्ट ही जो है कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड है ठीक है इससे ज्यादा प्रिजाइसली आप कोरल ब्लीचिंग का आंसर नहीं कर सकते हो सॉल्व ठीक है कोरल ब्लीचिंग क्लाइवन रिपोर्ट ठीक है तो थोड़ा गाइस तो मैं बैठ जाता हूं एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड टुडे ठीक है ओके सो कोरल रीव से फर्स्ट इकोसिस्टम व्हिच इंपैक्टेड द ग्लोबल वार्मिंग तो जो सबसे सेंसिटिव है देख लीजिए आप ये तो ये सबसे पहले बच्चों सबसे सेंसिटिव चीज पे प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज का ठीक है अब कोरल रीफ से बच्चों फर्स्ट इकोसिस्टम होता है ये सम, पूरी समुन्द्र में जहाँ पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का या ओशन जो है एसिडिफाई हो गए उनका या कुछ भी आप गड़बड़ कर रहे हो सबसे पहले सबसे नाजुक चीज कमजोर कड़ी टूटती है तो कोरल्स गईस कमजोर कड़ी है आप मान लीजिए ओशियनिक इकोसिस्टम्स का ठीक है

और बाकी जो आगे बची भी तीस परसेंट है वो भी खतरनाक स्ट्रेस झेल रही हैं उनका भी आगे फ्यूचर में जाना जो है ओके okay, ओके okay, वो मुश्किल है यहां तक बच्चों क्लाइव विल्किंसन ने यह कह दिया था कि 2050 तक ये भी हो सकता है कि 2050 के बाद जो लोग पैदा होंगे धरती पे वो कभी शायद कोरल रीफ्स को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे उनको ऐसे ही क्लास में ही आके मेरी या फिर गूगल करके फोटो वगैरह पे वीडियो वीडियो कोई पुराना देखना पड़ेगा कंप्लीट बच्चों फेज आउट बताया क्लाइव क्लाईविल ने कि 2050 तक कंप्लीटली कोरल जो है खत्म हो जाएंगी दुनिया में से ठीक है 2050 तक ठीक है इंडियन ओशन की बच्चों बात अगर हम कर लें तो इंडियन ओशन पे बच्चों खास बात बोली क्लाइव विल्किनसन ने कि इंडियन ओशन एक सबसे खतरनाक प्रभावित एरिया है ठीक है यहाँ पे काफी कोरल जो है सत्तर कोरल बच्चों बताया इसने खत्म हो गई है केनिया में मोलदीव में अंडमान निकोबार आइलैंड में ठीक है और आगे सत्तर परसेंट जो है खतरा है कई जगहों पे ठीक है कई 97 98 का जो मैंने आपको साल बताया जब बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग पूरी दुनिया में देखी गई थी उस साल जो है एलिनो आया था और उस साल एलिनो की वजह से टेम्परेचर ओशन वाटर्स का जो है काफी बढ़ गया था और ग्लोबल वार्मिंग को एक सीरियस प्रॉब्लम माना गया इस वजह से ठीक है जहां पे इंसानी आबादी भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि बच्चों कोस्ट पे इंसान भी ज्यादा रहते हैं कोस्ट पे आप देख लीजिए बड़े बड़े शहर हैं दुनिया के ओके शांघाई मुंबई चेन्नई आपके न्यूयॉर्क रोटरडैम जितने बड़े बड़े शहर हैं दुनिया के रियो रियोडियो जेनेरियो वो आपके कोस्ट पे ही लोकेटेड है क्योंकि इंसान को भी कोस्ट पे रहना पसंद है क्योंकि वहां पे क्लाइमेट अच्छा होता है वहां से व्यापार हो सकता है बढ़िया बढ़िया जो है वहां पे चीजें होती है ठीक है और कोरल्स ये बच्चों कोस्ट पे ही रहती है ठीक है तो कोरल्स को बच्चों ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उस वजह से भी जो है खतरा बताया गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो है कोरल्स आपके लिए पॉपुलेशन से रिलेट किया गया जहां जहां ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां कोरल की पॉपुलेशन कम हो रही है तो बच्चों कोरल ट्राइंगल में आपको बता ही चुका ये बच्चों आप मान लीजिए एमजन ऑफ द सी है ये यह। यहां पे सबसे ज्यादा कोरल मिलती है इंडोनेशिया मलेशिया ये साउथ ईस्ट एशिया का जो इलाका है इसको कोरल ट्राइंगल बोला जाता है दुनिया की सबसे ज्यादा कोरल आपको यहीं मिलेंगी आप मान लीजिए ब्राजील में जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ओके लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कोरल अमेजन है सी का ठीक तो है तो धरती पे अमेजन कहाँ है ब्राजील में और समुन्द्र में अमेजन कहाँ है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ठीक है तो ये सारी बात है तो वजह विल्किंसन ने चार कैटेगरी में जो है डिवाइड करा कोरल्स को ठीक है कैटास्ट्रॉफिक बताया उन्होंने जहां पे बहुत ही भयंकर कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है पिछहत्तर परसेंट या उससे ज्यादा कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है वहां पे उन्होंने बोला कैटास्ट्रॉफिक इलाके में डाला गया जैसे कि सेंट्रल पैसेफिक ओशन में उन्होंने बोला ये ही देख लीजिए आप सेंट्रल पैसेफिक ओशन में ही एलिनो का जो है मोडो की करंट होता है एलिनो का जो है करंट होता है वार्म करंट होता है वो आता है और वहीं पर सबसे ज्यादा ब्लीचिंग हो पाई गई तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि बच्चों एल्नो ने जो है काफी कोरल्स की जान ले ली क्योंकि एलिनो की वजह से ओशन का पानी जो है आपके गर्म हो जाता है ठीक है सिवियर ब्लीचिंग बच्चों नोटिस करी गई पचास से लेकर सत्तर परसेंट तक करेबियंस के अंदर रेड सी के अंदर पर्शियन गल्फ के अंदर सिवियर ब्लीचिंग ठीक है मॉडरेट ब्लीचिंग बच्चों नोटिस करी गई मॉडरेट कैटेगरी पच्चीस से पचास परसेंट कोरल यहाँ पे खत्म हो चुकी है लक्षद्वीप में मॉलदीव्स में ठीक है यहाँ पचास परसेंट और नॉट इफेक्टेड डा बोला विल्किसन ने कि पच्चीस परसेंट से भी ज्यादा यहाँ पे आबादी अब, जो है कोरल ही खत्म नहीं हुई है

सो वो जो ओजोन होल हुआ आपको पता है ओशन गर्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लोरल ब्लीचिंग हो रही है ये सब चीज़ें बच्चों उन्नीस के बाद इंसान ने ज़्यादा जो है इन चीज़ों का जो है एक्नोलिजमेंट जो है लिया है और राइट right. तो बच्चों जो कोरल्स की भी चिंता हुई इंसानों को कि यार कोरल्स हमारी वजह से जो है यू you नो know, मर रही हैं तो बच्चों इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव चालू हुआ था 1994 में ओके okay? चौरानवे के अंदर इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव चालू हुआ ओके तो ये गाइस इसकी पहली मीटिंग हुई थी ठीक है आपके इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव चालू हुआ यहाँ पे कोरल को प्रोटेक्ट करने की अपने बात करी इसी बच्चों इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने 2018 को ओके थर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ रीफ डिक्लेअर किया 2018 को ठीक है और बच्चों इसका 3 दिन की जो मीटिंग होती है स्टेप कोर कहते हैं उसको ओके स्टेप कोर ये बच्चों भारत के अंदर ही हुई लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर अब लक्षद्वीप में ही क्यों हुई ये क्योंकि लक्षद्वीप जो आइलैंड है पूरे के पूरे बने ही वो जो है आपके कोरल से हैं ओके रीफ फॉर लाइफ इसका जो है थीम दिया गया उसको दो के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर हुई थी ओके तो बच्चों इंटरनेशनल ईयर ऑफ रीफ जो है पहली बार नाइनटीन में घोषित किया गया ओके क्योंकि उस समय 97 में आपको बताया था अभी कि जस्ट की जो है कोरल्स की काफी जो है डेथ हो गई थी और उसके बाद एक बार और किया गया और थर्ड जो है इंटरनेशनल रीफ ऑफ द ईयर ऑफ द रीफ जो है वो दो नाइनटीन में किया गया और लक्ष्मीप में इसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई इसका मकसद ये था कि कोरल के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना जनरेट कर जनरेट करना अवेयरनेस उनके बारे में ओके लोगों को जागरूक करना है कोरल्स को भी जो है बचाना है ये है बच्चों स्टेप कोर अभी और इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि आपके ये 2018 के अंदर ये हुआ है ठीक है स्टेप कोर जो है आपके 2018 के अंदर हुआ है और भारत के अंदर और हुआ है इंटरनेशनल इवेंट और भारत के अंदर हुआ है तो इस बहुत चांस से एग्जाम में पूछा जा सकता है तो बी प्रिपेयर अबाउट दिस थिंग ऑल ठीक है इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं अपन ओके कॉम्बैट आई वो आप दे ही रहे हो बच्चों आज लास्ट डे है कुछ घंटे बचे हैं आपके पास प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो ओके okay, आइकॉनिक और प्लस में आपको पता है डिफरेंस सारा क्या है आइकॉनिक एक प्रीमियम है जहां पर्सनल गाइडेंस मिलती है मेंटरिंग मिलती है एक और और आपको मिलता है अकेडमी से मैं तो खैर दोनों में आपकी मेंटरिंग करूंगा ही सीड यूपीएससी कोड आप उसके लिए यूज कीजिएगा पर आइकॉनिक में आपको एक और मेंटर मिलता है की तरफ से right. ये आप जो है ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन और जो है अच्छा बच्चों भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सीट बढ़ चुकी हैं बीस परसेंट सीट बढ़ गई हैं जहां 2021 में 700 ही सीट थी 2022 में हजार सीट हो गई हैं लगभग 20 परसेंट इंक्रीज मतलब 20 परसेंट आपकी बच्चों चांसेस ही बढ़ गए हैं एग्जाम क्लियर करने के और इसी बात पे 20 परसेंट का डिस्काउंट आपको आज लास्ट डेट है फेबररी की फेब्ररी उन्नीस तो बच्चों ये आपको डिस्काउंट है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है बीस की छूट पर आपको काफ़ी मिल रही है सो तो सिर्फ आज बारह बजे तक बारह भी नहीं ग्यारह बज के उनचास मिनट तक जो है ये ऑफर वैलिड रहेगा सो अब फॉर्म आपने भर ही दिया होगा तैयारी आप वैसे भी कर ही रहे होगे तो बच्चों सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी करिए बेटर तरह से हो गया ऐसे हवा में तीर चलाने से कुछ होगा नहीं जैसे कि क्लास के बीच में ना वो बताया ही था ओके तो सब्सक्रिप्शन लेके जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आई होप यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन राइट गाइडेंस बच्चो बहुत जरूरी है वो आपको मैं दूंगा उसके लिए जो है आप यूपीएससी कोड यूज करें हर कोड बच्चो आपको गाइडेंस मेंटरिंग नहीं मिलती है अब ये मत समझिए कि मैंने बहुत बड़ा कोड लगा दिया तो मेरे को बहुत ज्यादा मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी ओके वो कोड लगाइए जिसमें वो गारंटी मिल रही हो कि हाँ भाई गाइडेंस मिलेगी मेंटरिंग मिलेगी कैसे मिलेगी फोन पर मिलेगी कौन से फोन पर मिलेगी पब्लिक फोन है या पर्सनल फोन नंबर है तो पर्सनल फोन नंबर मिलेगी मेरे मैं ही डायरेक्टली आपसे बात करूंगा कोई जूम कॉल पर नहीं मिलेगी कोई जो है क्लास में नहीं मिलेगी ओके स्पेशल क्लास लगा दी प्लस पे लगा दी ठीक है आपको जो है पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी फोन के ऊपर ठीक है पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा लेना है करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है सारी बातें हम करेंगे आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा तो आईज बैचेस चालू हो रहे हैं एक सब्सक्रिप्शन से बचो आप कितने भी बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो बीस किताबें आपको मिलती है कितना भी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो कितने भी टेस्ट दे सकते हो कोई लोड नहीं है तो आप जो है सही कोड लगाइए और सही सब्सक्रिप्शन लीजिए आइकॉनिक लेना है प्लस लीजिए लेना है डिसाइड कीजिए आप आपके जो पॉकेट फ्रेंडली है आइकॉनिक ऑब्वियसली अच्छा ही है उसमें तो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं लेकिन अगर आप बजट में नहीं आ रहा है तो प्लस से भी आप काम चला सकते हो लेकिन बच्चों कॉम्बो ही लेना ओके ये कॉम्बो पे ही ऑफर्स हैं तो कॉम्बो ही लेना ताकि आपके ऑप्शनल भी आप पढ़ सको क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी की तैयारी का जिसमें आपको मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरत होती है किसी के द्वारा आप पढ़ने की ज्यादा जरूरत है तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा आप लोग ठीक है तो नॉर्मल ये फीस प्लान है लेकिन अभी सब्सक्रिप्शन अभी आपको ऑफ चल रहा है आज आज लास्ट डे है तो डू टेक इट टूडे ओनली एंड यूज द कोड से यूपीएससी लोन पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो नीचे लिंक है ओके तो बच्चों सेड यूपीएससी कोड यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं आप बेस्ट टीम में रहोगे ओके अन अकेडमी सेड यूपीएससी टीम में रहोगे आप मैं आपकी गाइड करूंगा एक ग्रुप में आपको स्पेशल मेंबरशिप मिलेगी जहाँ पे आप अपना प्लस वाले बच्चों के साथ जो है बातचीत कर सकते हो मुझसे बातचीत कर सकते हो आंसर वंसर अपने शो कर सकते हो ठीक है ये सारे फायदे हैं शॉर्ट टेलीफोनिक मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी आपको गा मेरे द्वारा ये भी इसका फायदा है ठीक है डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा हर कोड से बराबर मिलता है आप ये देखिए आपको एक्स्ट्रा के मिल रहा है किस कोड से ठीक है तो डिस्काउंट पूरा है यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन मटेरियल मिलेगा आपको मेरी तरफ से पांच बार एग्जाम क्लियर किया उसको आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा शेयर करेंगे आपके साथ कई सारी चीजें ओके प्रॉपर गाइडेंस प्लस कंटेंट एंड आपका हार्डवर्क बहुत जरूरी है और टेलीग्राम चैनल पे बच्चों जरूर जुड़ जाइएगा सिड यू टेलीग्राम चैनल पे ताकि आप किसी भी चीज़ से अपडेट से मिस ना हो पाए आपसे कोई भी मेरी क्लास फ्री क्लास आपसे मिस ना हो पाए उसके लिए सिड यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ऑलरेडी गाइस दैट्स इट थैंक यू वेरी मच आई होप यू लर्न अ लॉट ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप बीच में से जुड़े हो तो शुरू से देख लीजिएगा क्लास को ओरल रीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही मैंने आपको कम समय में इसको जो है पढ़ाया है लेकिन कुछ भी छुड़वाया नहीं है मैंने आपसे और सर जी के हिसाब से जो भी जरूरत थी उसमें दो चार चीजें आपको ज्यादा ही बताइए कम कुछ भी नहीं है ऑल राइट गुड बाय नाउ टेक केयर सी यू सून ओके लेट्स क्रैक इट ओके लेट्स क्रैक इट